Hello and welcome to the mathematics class, Asis Math students. Today I am going to discuss about the Hindu and PIV paper, the Hindu and PIV analysis of 8 January 2020, and this is the current affairs session, and this is important for the mission 2020 and 2021 and 22, right? सो यहाँ पे जो मैं कोर्स जो लॉन्च कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कोर्स आपका जो है वो बेनिफिशियल जो है वो ज़्यादातर यूपीएससी के लिए है, लेकिन ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपके सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो 2021 और 2022, राइट, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 2020-21-22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी। दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, कैट, एफ कैट, बैंक, एसएससी एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट। एंड आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस सेशन यू आर एबल टू ऑब्टेन द 100% मार्क्स इन द मैथ, 100% मार्क्स इन द करेंट अफेयर ऑल्सो। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रेट दिस चैनल, रिव्यू, रिकमेंड एंड रेफर टू एवरी वन एंड शेयर इट टू एवरी वन, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको क्लासेज जो है वो आपको मैथ्स के भी क्लासेज मिलेंगे स्टूडेंट्स। मैथ्स मतलब आप अगर रेलवे बैंक एसएससी की क्लासेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैथ की क्लासेस मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएस, जीके एंड करेंट अफेयर के क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बात करूंगा। तो मेरा जो सेशन होता है उसमें किस टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे, न्यूज एनालिसिस करेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन होगा, कैपिटल एंड करेंसी हम लोग डिस्कस करते हैं, और द हिंदू क्विज भी देखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आज का आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप चाइना को जाकर देखेंगे घर पे, ठीक है। तो चाइना को आप जाकर देखेंगे, ये जो मैप का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो चाइना को आप घर पे जाकर देखेंगे उसका कैपिटल क्या है, उसका जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, बाकी का इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, राइट। तो ये रहा, और जिसमें मैं यहाँ पे जो है तीन पेपर को कवर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको हिंदू भी कवर करूंगा, प्लस में आपका पीआईबी भी कवर हो रहा है, और साथ ही साथ आपका जो इंडियन एक्सप्रेस है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, मतलब आप पूरी यूपीएससी के करंट अफेयर की प्रिपरेशन यहां से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमेशा हमारे साथ जुड़कर जो है वो क्लासेस को अटेंड करते रहना है। उसके बाद आपका जो है 6 महीने बचे हुए हैं, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि अभी बहुत जल्द ही आपके लिए 2018 से जो है 2018 और 2019 का जो है करेंट अफेयर का रिविजन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैं जनवरी 2018 से आपका कवर जो करेंट अफेयर जो करूंगा वो आपका जनवरी 2018 से जनवरी 2018 से आपका जो है दिसंबर 2019 तक आपका जो भी है वो सारा करेंट अफेयर कवर कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग आज के कोर्स से स्टार्ट करते हैं। किसी के सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। आप किसी से सलाह, आप खुद पे बिलीव ऑन योर सेल्फ। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो किसी से सलाह लेने जाइएगा तो जो लाइफ में कभी भी कुछ अभी तक नहीं कर पाए हैं वो भी आपको बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी के सलाह से आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको जो भी मंजिल है, जो भी आपका गोल है, वो आपको कैसे मिलेगा, खुद की मेहनत से ऑब्टेंड होता है। खुद की मेहनत, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ज्यादा लोगों से अगर आप सलाह करेंगे तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो निगेटिविटी आपके अंदर भर देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस चीज मत करो, तुम ये नहीं करो। तो इससे बेहतर है, और खासकर कभी भी हमेशा जो है निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, निगेटिव लोग जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो अपने तो कुछ कर नहीं पाते हैं और आपके बारे में क्या बोलते हैं, मतलब आपके अंदर भी निगेटिविटी भर देते हैं। आपको बोलेंगे कि मैं भी कर रहा था लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। बट मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ ही इस चीज को बोल सकता हूं, ठीक है। और आप भी इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत में कमी है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो किसी से भी सलाह नहीं लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने अपना जो है वो देखिए कि आपको किस चीज में ज्यादा जो है इंटरेस्ट है और आपका क्या गोल है, उससे आपका पैशनेट है आप अपने गोल के प्रति या नहीं। चलिए तो अब आज का करेंट अफेयर जो है 8 तारीख का करेंट अफेयर हम लोग द हिंदू पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो है फर्स्ट ही पेज पे आपको ये न्यूज मिला होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें क्या था कि जितने भी निर्भया के जो चार निर्भया जो केस हुआ था तो उसका जो है वो उन लोगों को फांसी देने की सजा का डेट आ गया है। अब जो है वो सजा उन लोगों को होगा 22 जनवरी को, राइट। ऑल द 4 निर्भया केस कन्विक्ट्स टू बी हैंग्ड ऑन द 22 जनवरी। तो कोर्ट इशू द डेट वारंट ऑन द प्ली बाय द विक्टिम पेरेंट्स टू द एक्सपीडाइट देयर एग्जीक्यूशन। तो वहां पे जो है उन लोगों ने कोर्ट ने क्या कर दिया कि जो भी विक्टिम के जो पेरेंट्स थे, जो भी पीड़िता के माता पिता थे, उनके द्वारा जो पेटिशन डाला गया था उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनको डेथ वारंट दे दिया। अब यहाँ पे जो है उनको फांसी कब दिया जाएगा, ऑल द 4 विक्टिम्स कन्विक्ट्स इन द दिसंबर 16, 2012 निर्भया गैंग रेप एंड द मर्डर केस विल बी द हैंग्ड ऑन जनवरी 22 एट द 7 AM इनसाइड द तिहार जेल। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उन लोगों को फांसी कब दी जा रही है, उन लोगों को फांसी जो है वो 22 जनवरी को दी जाएगी 7 बजे सुबह, ठीक है। कहां पे दी जाएगी, तिहार जेल में दी जाएगी। तो ये आपके लिए है। उसके बाद उनकी माता भी आती है जो जो भी कन्विक्ट्स थे, तो उनकी माता आती है, वो भी 3 बजे के बाद बोलती है और वो रिक्वेस्ट करती है जज से कि मर्सी दिखाया जाए और उन लोगों को फांसी नहीं दिया जाए, लेकिन जज उनको इंटरटेन करने के लिए डिक्लाइन कर देते हैं और इस चीज पे उतना गौर नहीं करते हैं। और एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोरा इशूड द डेथ वारंट फॉर द कन्विक्ट्स मुकेश, चार कन्विक्ट्स थे जिनका नाम क्या था, मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह एंड द पवन गुप्ता। और ये जो है विक्टिम के एक्सपेडाइट के बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। दिसंबर 18 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन का जो है वो डिसमिस कर दिया था, जो कि अक्षय कुमार सिंह जो थे उन्होंने 2017 के जजमेंट पे डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, मतलब फिर से उन्होंने अपील किया था। तो 18 दिसंबर उन्होंने अपील कब किया, 2017 में किया था, जो 2017 का जो जजमेंट आया था उनको जो फांसी दिया गया था उसको रोकने के लिए। तो फिर दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज को डिसमिस कर दिया गया, उनका पेटिशन याचिका जो था वो खारिज कर दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कन्विक्ट्स जो है वो अभी यहाँ पे इस तरीके से, तो यही इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ये नहीं है। उन्होंने प्रेसिडेंट से भी प्ली किया था लेकिन प्रेसिडेंट ने भी इस चीज को क्षमा को छोड़ दिया, मतलब क्षमा नहीं किया और उसको जो है उन लोग उन्होंने भी जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी क्या किया कि इस चीज को डिसमिस कर दिया। और प्रेसिडेंट, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 72, ठीक है, आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होता है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट द पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड रिमीट एंड कम्यूट द सेंटेंस इन ऑर्डर टू सर्टेन केसेस। तो बहुत सारे केसेस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, ग्रांट द पार्डन, मतलब क्षमा करने के बाद माफी कर सकता है, फिर उनको सस्पेंड किया जा, मतलब अगर बहुत सारी मतलब फांसी की सजा किसी को मिल जा गई है तो उनको सस्पेंड, उस सजा को सस्पेंड किया जा सकता है, रिमीट किया जा सकता है, कॉम्यूट किया जा सकता है, तो ये सब चीज। लेकिन उसके बाद भी जो है प्रेसिडेंट के पास भी इन लोगों ने अपील किया था लेकिन इसको भी डिसमिस कर दिया गया। तो अब इनकी फांसी जो है वो कब की जाएगी, कब दी जाएगी, अगर हम लोग बात करें तो 22 जनवरी को सुबह 7 बजे कहां पे दी जाएगी, तिहार जेल में। ये जो घटना जो हुआ था, ये जो इवेंट हुआ था वो कब हुआ था स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये आपका 16 दिसंबर 2012 का केस है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग इस जजमेंट को आने में लगभग 7 इयर्स का टाइम जो है वो पास हो गया है। तो इसके बाद ही जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल ने, तो वो उन्होंने बोला कि देयर इज अ सम सेंस ऑफ द सेटिस्फेक्शन आफ्टर द इशुएंस ऑफ द डेथ वारंट अगेंस्ट द कन्विक्ट्स इन द निर्भया केस एंड इट टुक द 7 इयर्स
दिस सिस्टम विल हैव टू चेंज एंड सच अ सिस्टम मस्ट बी हैव पुट इन द प्लेस एंड वेयर द इंश्योर दैट द रेपिस्ट कैन आर हैंड विद इन द सिक्स मंथ. तो उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है थोड़ा सा, लेकिन इस चीज को, इस जजमेंट को आने में लगभग 7 साल का टाइम लग गया. तो जो है एक तरीके से अगर हम लोग इस तरीके का कानून बनाए कि जो भी इस टाइप का रेप का कोई भी केस होता है तो उसमें विद इन अ सिक्स मंथ जो है इस चीज को क्या किया जाए, विद इन अ सिक्स मंथ उनको जो है फांसी पे लटका दिया जाए. तो ये अरविंद केजरीवाल ने बोला. चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं. तो इस अगर इन न्यूज में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी की भी जो सजा होता है उसको माफ किया जा सकता है. प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो सजा को माफ कर सकते हैं, राइट. चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एटलीस्ट 50 किल्ड अभी स्टैम्पीड ऑन द सुलेमान फनरल इन ईरान. जनरल वाज किल्ड इन यूएस ड्रोन स्ट्राइक नियर द बगदाद. अभी जो है इशू चल रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन आ चुका है हमारे पूरे विश्व में. जैसे जो है कुछ दिनों से ईरान और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका के बीच बहुत बड़ा जो है वो इश्यू चल रहा है. किसके बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ द कासिम सुलेमानी. ठीक है, तो कासिम सुलेमानी ईरान एंड किसके बीच में? यूएसए के बीच में. ठीक है, तो कासिम सुलेमानी को किनके द्वारा मार दिया गया था? यूएस के द्वारा. यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक करके लगभग जो है वो 7 जो है वो कितने लोगों को मारा था, यहाँ पे जो है वो बोला जा रहा है ईरान के द्वारा कि लगभग 50 लोगों की मौत हुई है, जिसमें जो है और 212 लोग जो है वो क्या हो गए हैं, 212 लोग जो है वो घायल हुए थे वहां पे. और जो है उसमें कासिम सुलेमानी जो है क्वाड फोर्स के जो जनरल थे उनकी हत्या हो गई, मतलब वो मर गए. ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई. तो उनकी डेथ के बाद जो है अभी जो है वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इस तरीके से जो है वहां पे प्रोटेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे चल रहा है. तो यहाँ पे इंटरनेशनल बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये हुआ था. कब हुआ था अगर हम लोग बात करें तो उस डेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 3 जनवरी को एयर स्ट्राइक किया गया था. किसके द्वारा? 3 जनवरी 2020 को किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट? यूएसए के द्वारा, राइट. चलिए अब हम लोग जीडीपी की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अभी जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट द स्लोअर द जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, तो ये 5% एस्टिमेट किया गया है इन द लाइन ऑफ विद द आरबीआई फोरकास्ट. आरबीआई के द्वारा बोला गया कि 2019-20 में जो है तो 2019-20 के प्रीवियस अगर हम लोग ईयर के बारे में बात करें तो वो 6.8% था. तो अभी एस्टिमेट ये फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि लगभग आगे आने वाले सिचुएशन में आपका जो है फाइनेंशियल ईयर 20 में ये जो है 5% है. द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू ग्रो एट द स्लोअर पेस ऑफ 5% फॉर द फुल ईयर 2019-20. तो 2019-20 में ये जो है कितना परसेंट है? 5% है, राइट. एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल कितना था अगर हम लोग 18-19 में बात करें इस फाइनेंशियल ईयर में, तो 18-19 में जो था ये आपका 6.8% था. तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से बता सकते हैं कि अभी हमारे इंडिया की जो कंट्री की जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है स्टूडेंट्स अगर इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो. द एस्टिमेट इज इन द लाइन ऑफ द प्रोजेक्शन मेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच हैड रिवाइज बाई द जीडीपी ग्रोथ डाउनवर्ड टू द 5% फॉर 2019-20 एंड 6.1% ड्यूरिंग द अक्टूबर पॉलिसी, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है. तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो फिनेंशियल ईयर 20 के लिए अगर हम लोग बात करें, 2020 के लिए यहाँ पे जो है वो 7.5% ऐसा उम्मीद किया गया था, लेकिन रियल एक्चुअल में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए रियल जीडीपी है और वो जो है नॉमिनल जीडीपी, राइट. दिस इज द रियल जीडीपी एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है नॉमिनल जीडीपी है और ये यहाँ पे रियल जीडीपी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 2020 तक जो है
इसका जो है यहाँ पे कहीं भी रियल जीडीपी जो है वो आपका 10 से ऊपर नहीं गया है, लेकिन नॉमिनल यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉमिनल यहाँ पे 10 से ऊपर चला गया है नाम मात्र का, राइट। चलिए तो ये जीडीपी था। अभी जो है स्टूडेंट्स कुछ दिनों से अभी जो है जेएनयू में जो है वो इश्यू चल रहा है, जेएनयू में कुछ नकाब पोस्ट गुंडे घुसकर वहां पे जो भी टीचर्स थे या फिर जो भी स्टूडेंट थे उनको मारा गया है, तो वो इश्यू चल रहे हैं। तो वहां पे एक शिक्षिका का कहना है, उनका एक न्यूज आया है, इट ब्रेक्स माई हर्ट टू सी जेएनयू गो डाउन दिस वे। इस तरीके से जो जेएनयू में जो हुआ उससे ये बहुत ही हर्ट हुई है, ठीक है। तो यही इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पे टीचर एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, JNUTA, राइट, JNUTA, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, तो उसको JNUTA बोला जाता है, राइट। तो इस चीज का बस इंफॉर्मेशन बस रख लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियोनॉम्स ऑफ द इंडियन कोबरा सिक्वेंस्ड, ठीक है। तो क्रमानुगत अगर हम लोग बात करें जियोनॉम्स, जियोनॉम्स मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ द डीएनए एंड इंक्लूडिंग, जैसे कोई भी जीव का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग द ऑल द इंफॉर्मेशन नीड टू बिल्ड एंड द मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को जो कंप्लीट जो डीएनए होता है या फिर जो भी उसके जो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो उसके डीएनए के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट जो डीएनए होता है वो, अगर साथ ही साथ अगर हम लोग ये बात करें कि उसके बॉडी को उसके ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने में जो भी चीज आपका वहां पे हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोनॉम्स बोलते हैं, राइट। तो यही आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि मोर पोटेंट एंटी वेनम कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड मे बी द इफेक्टिव अगेंस्ट द अदर स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि एंटी वेनम, वेनम मतलब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो इसका मतलब होता है बीस, राइट, बीस, ठीक है। तो यहाँ पे मोर पोटेंट एंटी वेनम कैन बी प्रोड्यूस, जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए एंटी वेनम, क्योंकि अगर हम लोग बात करें डाटा के बारे में तो लगभग हमारे देश में जो है वो 400,000 एम्प्यूटेशंस एंड लगभग अगर हम लोग बात करें तो 1,000,000 जो है, सॉरी 1,00,000 डेथ जो है वो पर ईयर्स जो है वो क्या होता है, वो इन स्नैक बाइट से होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, लगभग 40,000 पीपुल डाई एंड 1,40,000 पीपुल आर डिजेबल इन इंडिया फॉर द स्नैक बाइट। ये आपका डाटा है कि लगभग 46,000 लोग जो है वो पर ईयर वो स्नैक बाइट से मरते हैं। अगर हम लोग बात करें तो 1,40,000 पर्सन जो है वो लगभग डिजेबल हो जाते हैं स्नैक बाइट से, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसके लिए यहाँ पे एंटी वेनम को प्रोड्यूस करने के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ऐसा रिसर्च किया जिसके बारे में एक नाम यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, सोमा शेखर सेसागिरी, ये कहाँ के हैं, सीओ जीनोम रिसर्च फाउंडेशन बेंगलुरु, ठीक है। तो वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो है। और सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बिग फोर से सबसे ज्यादा स्नैक बाइट में डेथ होता है। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो पहला बिग फोर मतलब आप बोल सकते हैं कि ये कहां कहां की कंट्री पे है। तो पहला एक कंट्री जो है हमारा कंट्री है जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में इंडियन कोबरा से डेथ ज्यादा होता है। उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो द कॉमन क्रैक रसेल वाइपर एंड द सॉज स्केल्ड वाइपर, तो ये चार टाइप के एनिमल्स से जो है बिग फोर से क्या होता है कि डेथ ज्यादा होता है, राइट। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में जो है वो रिजर्वेशन का फैसिलिटी जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा न्यूज आया है, इट इज अप टू स्टेट टू प्रोवाइड 10% कोटा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 10% जो बेनिफिट्स है वो जो है स्टेट को बिल्कुल देना है, चाहे जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट इस जो है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है जिसमें 10% दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो वो देना है। तो यहाँ पे सेंटर यही बोलते हैं जिसमें तमिलनाडु एंड कर्नाटक में ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो इस बारे में ये इंफॉर्मेशन आया है, राइट।
तो इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। उसमें जो है आपका जो है कितना होना चाहिए, तो पर्सन हुज फैमिली इज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो द 8 लाख आइडेंटिफाई एज द दोज बिलोंगिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड इट इज सेट द 10% रिजर्वेशन लॉ वॉज इनएक्टेड टू प्रमोट। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो भी व्यक्ति का जिस किसी भी फैमिली का 8 लाख से 8 लाख पर एनम के इनकम से कम है तो उनको जो है ये रिजर्वेशन मिल सकता है। तो ये यहाँ पे डिटेल दिया गया है, बिल्कुल बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये है, ये पूरा इंफॉर्मेशन है। चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे तो सेलिब्रेटेड पेंटर एंड आर्टिस्ट अकबर पद्मश्री पास अवे, ठीक है। तो ये जो है अकबर पद्मश्री जो है वो पास्ट, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। ये 91 ईयर्स के थे और ये क्या थे, आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, इनके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी मौत हो गई, इनका जो नाम है वो तो यहाँ पे जो है इस तरीके से यही इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि ये इनका फोटो हो गया, इनका जो है ये अकबर पद्मसी हैं, तो इनकी मौत हो गई। चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, देर इज ए डिजाइन फ्लो इन द विद दिस मिलिट्री पोस्ट, तो क्रिएटिंग द चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ इज प्रॉब्लेमेटिक। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लेमेटिक, इट इज ऑल्सो इरोड द सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा न्यूज है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में दिया गया है, जो कि मैंने इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी, राइट। तो यहां पर इनका कहना यह है कि रक्षा, अगर हम लोग बात करें किस चीज के बारे में, कि रक्षा प्रमुख समस्या है। हम लोग जानते हैं कि क्रिएटिंग अ चीफ डिफेंस स्टाफ इज प्रॉब्लमेटिक और इट ऑल्सो इरोड द सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर द डेवलपमेंट सॉरी ओवर द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, राइट। तो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में जो है यह रक्षा जो है और यहाँ पे जो इसकी जो सुप्रीमेसी है, ठीक है, प्रतिष्ठान है और नागरिकता की वर्चस्व को मिटा देता है। तो यह रक्षा प्रतिष्ठान पर नागरिकता के वर्चस्व को मिटा देता है। अब यहाँ पे है इट स्केल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंडर स्कोर द कमांड एंड द कंट्रोल डील मास ऑफ द कंकरेंट कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, कंकरेंट कन्फ्लिक्ट्स प्लेइंग आउट द सेमल्टेनियसली इन द मल्टीपल थिएटर ऑफ द कंफ्लिक्ट्स। अगर प्रथम विश्व युद्ध के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, आदेश को रेखांकित किया गया, उसके बाद उसके संघर्ष में कई बार जो है यहाँ पे दुविधाओं को भी नियंत्रित किया गया। अब यहाँ पे वॉर जो है इसी पे रिलेटेड है कि वॉर एंड द वेस्ट। तो ये जो है यहाँ पे पूरे राइटर जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। उसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे वॉर एंड द वेस्ट, वन बाय वन करके हम लोग ये पूरे जो है करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो वॉर एंड वेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो युद्ध और पश्चिम, तो ड्यूरिंग द लॉकस्ट ईयर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड इशू वॉज दैट रिसीव द कंसिडरेशन वॉज द ब्रिटिश हायर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर ग्रेट ब्रिटेन की टिड्डी वर्षों के दौरान अगर हम लोग बात करें, तो एक मुद्दा जिसे विचार प्राप्त हुआ था, जिससे ये विचार प्राप्त हुआ था, किस चीज के बारे में विचार प्राप्त हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे जो है जिसे विचार प्राप्त हुआ और वह था कि ब्रिटिश उच्च कमान और नियंत्रण संरचना। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा के साथ अगर हम लोग इसको रिलेट करते हैं, तो युद्ध की उच्च सीमा के लिए ओनस या चीफ ऑफ स्टाफ समिति द्वारा सेवित युद्ध मंत्रिमंडल पर पुनः विचार के लिए गिर गया, ठीक है। और ब्रिटिश विधायी जो है,
उसके बाद अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट जब वॉर में इंटर किया था तो उसके बाद वहां पे भी उस तरीके से काम जो है वो किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा, ठीक है। तो आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट विंटर, तो अगर पर्ल हार्बर हमले के बाद अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध में प्रवेश करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक एकीकृत कमान का आदर्श बन गया, ये राइटर यही बोल रहे हैं। और क्योंकि सोवियत संघ सहित विभिन्न सहयोगियों को एकजुट होकर काम करना पड़ा और एक एकीकृत कमांड के लिए एक संयुक्त कमांडर द्वारा समर्थित, ठीक है, समर्थित कर्मचारियों के संयुक्त प्रमुखों के लिए उत्तरदायी एक एकल कमांडर की आवश्यकता होती है और अपनी सेवा के बावजूद वह अपने आवंटित बल के सभी घटकों का कमांड को बढ़ाता है। तो इसलिए ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, यहाँ पे राइटर सिर्फ सीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे नाटो के बारे में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से ये, अगर हम लोग आउटलाइन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सीडीएस से रिलेटेड चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए आर्टिकल जो आया है जो राइटर बोल रहे हैं यहाँ पे, amidst a tragedy and opportunity, right? तो अगर हम लोग ट्रेजिडी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। एंड द रगिंग द बैश फायर गिव द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अ चांस ऑफ द डिफेंड देयर डायलॉग इंक्लूडिंग द एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ, राइट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऊर्जा के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया को अपने बातचीत करने का मौका देता है। तो यहाँ पे जो फायर जो हुआ है उससे भारत और यहाँ पे जो है इंडिया और जो यहाँ पे जो आपका ये कौन सा कंट्री है अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, तो इंडिया के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे जो कंट्री है, यू कैन से दैट द एमिस ट्रेजिडी एंड अपॉर्चुनिटी द रैगिंग बिजनेस गिव द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया चांस टू डिपेंड द देयर डायलॉग एंड इंक्लूडिंग ऑन एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका वर्क कर सकता है, तो इसलिए आप ध्यान पे देंगे कि यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी पे ये वर्क हो सकता है। एंड द राइटर डेविड हॉर्न, इनका नाम क्या है, राइटर डेविड हॉर्न, राइटर डेविड हॉर्न वंस डिस्क्राइब ऑस्ट्रेलिया एज अ लकी कंट्री विथ इट्स अबंडेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, गुड वेदर एंड इट्स रिलेटिव जियोग्राफिकल आइसोलेशन फ्रॉम द टर्बुलेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड टूडे द वाइल्ड लाइफ बर्निंग मोर देन द 12 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड एंड डिस्ट्रॉइंग द नेटिव फ्लोरा, किलिंग द थाउजेंड ऑफ द वर्ल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग द इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड डिस्प्लेइंग द रेसिडेंट एंड द टूरिज्म एंड ऑस्ट्रेलिया इज कॉन्फ्रंटेड एंड द with the dystopian vision and where the eclipse become the new normal, a bureau, the title of the recent op-ed by the Nodal Lotrent and the Paul Krugman। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि अभी कुछ दिनों से क्या है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आग लगा हुआ है, तो ये जो है वहां पे बहुत सारे एनिमल, लगभग अगर हम लोग बात करें डेटा के बारे में तो लगभग 12 मिलियन, राइट, 12 मिलियन जो है वहां पे लैंड जो है वो आपका जल चुका है, ठीक है, 12 मिलियन जो लैंड जो है वहां पे जल चुका है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो है नेटिव वहां के फ्लोरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉइंग द नेटिव फ्लोरा। अगर उसके आगे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो नेटिव फ्लोरा के साथ साथ वहां पे जो है 1000 वाइल्ड एनिमल की डेथ हो गई, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो है वो वहां पे मर गए हैं, राइट। तो ये सारी वहां पे जो है इस तरीके से चल रही है। तो यही यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि अगर ट्रेजिडी के अगर बीच में अगर हम लोग बात करें तो एमिट्स द ट्रेजिडी
एन अपॉर्चुनिटी यू कैन से दैट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइटर इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए ये है, रोड टू रेडिकलाइजेशन, ठीक है, रोड टू रेडिकलाइजेशन। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेडिकलाइजेशन, हाउ मेनी पर्सन नो, तो रेडिकलाइजेशन के बारे में यहां पे बात हो रहा है, राइट। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी पूरी नॉर्थ इंडिया में जो है वो इसका प्रकोप है ठंडे का, और पूरे ठंडी बढ़ी हुई है तो इसके कारण हेल्थ का इशू है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो रोड टू रेडिकलाइजेशन यहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फैक्टर दैट द पुश एन द इंडिविजुअल टू इंगेज इन एक्ट ऑफ द वायलेंस विल लीड टू द पुअर पॉलिसी मेकिंग, राइट। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स की अगर आप ओवर पॉलिसिंग पे अगर बात करते हैं, खराब नीति पे बात करते हैं, तो निर्धारण का बढ़ावा देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब खराब नीति का बढ़ावा देगा किस चीज से रिलेटेड अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो ये राइटर यहां पे किस चीज से बात कर रहे हैं, जो भी यहां पे जो कैटेगराइज जो यूएस के द्वारा जो किया गया है उसके बारे में यहां पे बात हो रहा है। तो यही यहां पे बोला जा रहा है कि रेड टू रेडिकलाइजेशन यहां पे है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फैक्टर दैट पुश एन इंडिविजुअल टू द इंगेज इन एक्ट ऑफ द वायलेंस विल बी विल लीड अप विल लीड टू द पुअर पॉलिसी मेकिंग। सो यू कैन से दैट द हिंसा के कृत्यों में, राइट, हिंसा के कृत्यों से संलग्न अगर जुड़ा हुआ अगर करने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को धक्का देने वाले कारकों का जो एक्सपेंशन है उसी से खराब नीति निर्धारण को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेन एवर देयर एक्ट एज अ वायलेंस देयर इज एन अर्जेंसी टू लेवल देम एज एक्ट ऑफ द टेरर एंड द बेसिक ऑफ कैटराइजेशन ऑफ द वायलेंट एक्ट एज द टेररिस्ट एक्ट इंक्लूड द टाइप ऑफ द वेपन्स यूज इन द किलिंग्स एंड यू कैन से दैट यूज इन किलिंग्स एंड द बिलीव ऑफ द एक्यूज द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इट इज सी एंड कैटेगराइजिंग द वायलेंस इज इंपॉर्टेंट बट इफ इट इज डन विदाउट ड्यू टू द थ्रू द थॉट और डिलीजेंस राइट इट कुड इंड अप हार्मिंग दैट द अफेक्टेड स्टेट और द कम्युनिटी एंड लीड टू द वैस्टली डिफरेंटेड पॉलिसी एंड इम्परेटिव थ्री अटैक लास्ट ईयर एंड वंस इन द यूके एंड टू यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज इलस्ट्रेटेड दिस पॉइंट क्लियरली। तो इसी चीज से ध्यान में रखिएगा कि जब भी हिंसा के कार्य होते हैं तो उसमें जो आतंक का के कार्य के रूप में उन्हें चिन्हित करने का आग्रह होता है। जैसे आतंकवादी कृत्यों के रूप में अगर हम लोग बात करें तो हिंसक कृत्यों के वर्गीकरण के आधार में हत्याओं में प्रयुक्त हथियारों के प्रकार अभियुक्तों की मान्यताएं मारे गए लोगों की संख्या आदि शामिल हैं। हिंसा को वर्गीकृत करना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको क्लासिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे या परिश्रम के किया जाता है यह प्रभावित राज्य और समुदाय के नुकसान पहुंचाता है। तो यही सारा इंफॉर्मेशन ये यहां पे बता रहे हैं। तो यूएस के द्वारा अभी जो अटैक हुआ था ये उसी के बारे में यहां पे बात किया जा रहा है, राइट। तो इसके बारे में भी मैंने लेक्चर यहां पे दे दिया है। अब यहां पे नेक्स्ट है वी हैव आइडेंटिफाइड द स्टूडेंट एंड यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो कार्टून है ये बहुत ही फनी कार्टून है, ये द हिंदू से लिया गया है एंड वी हैव आइडेंटिफाइड द स्टूडेंट हु हैव अटैक एंड इंजर्ड द सिक्योरिटी गार्ड सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पुलिस वाले जो है यहाँ पे जो नकाबपोश अभी जो जेएनयू से रिलेटेड जो इशू चल रहा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग कुछ डाटा की तरफ चलते हैं। यही यहाँ पे कासिम सुलवानी से रिलेटेड है, डोमेस्टिक पेरिल द टर्म्स एडवेंचर एडवर्ड ड्रॉप्स। तो यहाँ पे जो है अगर लेटेस्ट आज के डेट के बारे में बात करें तो आज जो है आज एक और हमला हुआ, तो ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अभी जो है ईरान के द्वारा जो है इराक में
जो एक बेस जो प्रेजेंट था, मिलिट्री यूएस ट्रूप बेस था, तो उस पे ईरान के द्वारा हमला किया गया है, ठीक है। तो उसको भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो रिकवरी ऑफ कार्ड अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड द रियल जीडीपी ग्रोथ रिलीज ऑन द ट्यूजडे, इकोनॉमी इज सेट टू द ग्रो स्लोअर पीस पेस सिंस फाइनेंशियल ईयर 9 एंड वेन द ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस प्लेड द आउट हाउ एवर सर्टेन आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम फ्रॉम द नवंबर एंड दिसंबर 2019 सो दैट ऑल द इकोनॉमी में इम्प्रूव द सेकेंड हाफ ऑफ द फिनेंशियल 20। तो यहाँ पे इकोनॉमी हो सकता है कि 2020 में फिनेंशियल ईयर में सुधरे। द ग्रोथ रेट इन द फिनेंस फाइनल मंथ ऑफ द लास्ट ईयर थ्रू स्टिल स्लो पैक्ड एंड हिंट द पॉसिबल रिवाइवल। तो मैन्युफैक्चरर कंट्री कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिए इस तरीके से आपका जो है ग्रोथ चढ़ रहा है और ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जैसे यहां से 15 से लेके यहां तक है आपका। तो यहाँ पे ग्राफ शो द मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग एबव द 50 शो द ग्रोथ एंड वाइल द वन बिलो रिफ्लेक्ट द कंस्ट्रक्शन। तो अगर 50 से ऊपर है तो वो ग्रोथ पे है, अगर 50 से नीचे है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं कि वो आपका कंस्ट्रक्शन पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2019 में जो है मैन्युफैक्चरिंग तो थोड़ा सा अच्छा है। अब उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें सर्विस सेक्टर पे, तो सर्विस सेक्टर में जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्राफ शो द सर्विस रिगार्डिंग अबव द 50 शो द ग्रोथ एंड वाइल, तो वही है कंट्रैक्शन, सॉरी तो कंट्रैक्शन है नॉट कंस्ट्रक्शन है, तो कंट्रैक्शन। जैसे 50 से अगर ये अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो ये जो है आपका यहां पे हाईएस्ट मंथ में 52.7 है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 400 मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 52.7 आई थिंक है यहाँ पे, राइट। नहीं, यहाँ पे 2019 में अगर हम लोग बात करें तो जनवरी में ये आपका कितना था 52.7, राइट, ठीक है। तो यही सारा चीज दिया हुआ है। तो अगर 50 से ऊपर है तो ये डाटा आपको क्या समझना है कि 50 से अगर ये ऊपर है इसका मतलब है कि ये ग्रोथ पे है, लेकिन अगर 50 से नीचे है तो यू कैन से दैट इट इज नॉट इन द ग्रोथ, इट इज ऑन द इट रिफ्लेक्ट द कंट्रैक्शन, राइट। स्टडी टैक्स कलेक्शन, अगर आप जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात करें तो जीएसटी कलेक्शन में भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है मंथ ऑफ 2019 में है और ये जो जीएसटी कलेक्शन भी यहाँ पे जो है बहुत ही कम हो रहा है, टैक्स जो है वो बहुत ही कम आ रहा है। एंड कोर सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ शो द कोर सेक्टर ग्रोथ, तो यहाँ पे ग्राफ ये ग्राफ जो है कोर सेक्टर मतलब जो भी आपका मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन को डिनोट कर रहा है, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इंडिया मस्ट क्रिएट द 17 मिलियन जॉब टू द अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द 2024। तो यहाँ पे जो है अभी जो है ये जो व्यक्ति हैं ये अगर इनके बारे में अगर बात करें तो ये इकोनॉमिस्ट हैं, सिंगापुर के सीनियर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मिस्टर थारमैन, पूरा नाम अगर हम लोग बात करेंगे तो थारमन सन मुग्रतम, ठीक है, सन मुग्रतनम, सन मुग्रतनम, राइट। तो ये जो है ये बोलते हैं कि इंडिया जो है इंडिया में अब जो है लगभग 2024 तक आने वाले पांच चार या पांच सालों तक लगभग 70 मिलियन जॉब को जो है वो क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है, और जब क्रिएट करेगा तभी आपके कंट्री का जो है इकोनॉमिक वो अच्छा होगा और उसका जो है वो कहां तक पहुंचेगा आपका $5 तक पहुंच जाएगा, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपका लिए है। चलिए आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और कॉन्टिनेंट एशिया में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दो कंट्री पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अजरबैजान, ठीक है। तो ये कंट्री कॉन्टिनेंट एशिया में कंट्री कौन सा हम लोग आज कवर करेंगे, अजरबैजान, और ये जो इसका कैपिटल क्या है, बाकू है, और करेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो अजरबैजान मनत है,
अगर यहाँ का पॉपुलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन यहाँ का है स्टूडेंट 1,47,718 है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे ये व्यक्ति हैं, इनका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोहम्मद आमीन रुसुल जेड, ठीक है। और अगर आप इसे मैप में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका कंट्री है अजरबैजान, ये पूरा कंट्री, ये जो पूरा कंट्री है डेट इज द अजरबैजान, ये जो है ये आपका अजरबैजान हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका कैपिटल देख सकते हैं बाकू है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ईरान है, इधर भी ईरान है, यहाँ पे जॉर्जिया है, इधर पे रसिया है, और इधर जो है आपका कैप्सपियन सी है। तो इस तरीके से ये आपका मैप बेस्ट इंफॉर्मेशन है। और आपका जो नेक्स्ट डे का मैप डे है वो मैप जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में, तो वहां पे आप पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टूडेंट आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और किसी भी तरीके की कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं स्टूडेंट अनअकैडमी से, तो आप मेरे इस कोड को अप्लाई करेंगे जो कि कोड आपके स्क्रीन पे है, SHIVGOVIND 1001501, ठीक है। फिर से एक बार कोड को देख लेंगे, मेरा कोड है SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप मेरे साथ अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया पे, तो वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा दो यूट्यूब चैनल है, आशीष मैथ, जिसपे आप मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एके मिश्रा, जिसपे मैं एकेडमिक्स एजुकेशन का क्लासेज लेता हूँ 9 से 12 तक का, राइट। तो और साथ ही साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे को क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट के लिए मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन और इसी जोश के साथ इस क्लास को रैप अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट।